कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं, ये सोची समझी चाल है, ये एक नक्सली सोच है, ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, हिंदू धर्म में गांव गांव में देवियों को देवताओं को पूजने की परंपरा है, हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं, ये सोची समझी चाल है, ये एक नक्सली सोच है, ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है, इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।